subscribe GSB Electric and press the bell icon for more latest update. हेलो दोस्तों, मेरे लाइव सेशन में मेरे सब्सक्राइबर के द्वारा ये बोला गया था कि DJ सेट में जो ट्रांसफार्मर है वो परफेक्ट एम्पियर नहीं दे पा रहा है, तो उन्होंने 55 वोल्ट और 20 एम्पियर के लिए ट्रांसफार्मर का डिमांड किया था 4 नंबर कोर में। तो 4 नंबर कोर में पॉसिबल ही नहीं है, नहीं बन पाएगा, चूँकि एम्पियर कम करना होगा, लेकिन उन्हें परफेक्ट एम्पियर चाहिए 20 एम्पियर और 55 वोल्ट, तो 7 नंबर कोर यूज़ ही करना होगा। तो आज वीडियो जो है उसी पर मैं बना रहा हूँ, 55 वोल्ट और ये 20 एम्पियर के लिए है। ट्रांसफार्मर वाइंडिंग डाटा, इसमें 7 नंबर कोर यूज करना है, 7 नंबर कोर, और इसका स्टैकिंग हाइट होगा, यानी बोबिन जो यूज करना है वो 4 इंच का यूज करना है बोबिन। इसमें प्राइमरी वाइंडिंग जो होगा 220 वोल्ट के लिए होगा, 220 वोल्ट, और ये टर्न होगा 230 टर्न, और वायर गेज होगा 16 SWG, और इसका वेट भी मैं डाल देता हूँ, 1400 ग्राम आएगा। अब इसके सेकेंडरी वाइंडिंग पर चलते हैं, ये वाइंडिंग स्टार्ट होगा और ये जो है 58 टर्न होगा, ये जो क्वाइल है 58 टर्न चलेगा, और उसके बाद ये लूप निकल जाएगा, फिर यहाँ से इसे आप 58 टर्न ले लें और लूप निकाल लें। अगर चाहें तो आप इसे बाई फिलर वाइंडिंग के रूप में भी कर लें, बाई फिलर वाइंडिंग कर सकते हैं, अगर प्रॉब्लम है तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। तो ये जो है 55 वोल्ट 0 55 वोल्ट, और यहाँ है आप वायर गेज जो लेंगे वो 13 SWG लेंगे, और इसका वेट 1700 ग्राम अप्रॉक्स आ जाएगा। इस तरह से आप इस डाटा पर काम करें, साउंड का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत बेहतर मिलेगा। और ये एक बार रिवाइज कर देता हूँ, 4 इंच बोबिन लगेगा, 7 नंबर कोर लगेगा, और प्राइमरी जो है 230 टर्न होगा 220 वोल्ट एसी के लिए, और सेकेंडरी में 55 वोल्ट होगा, और ये जो ट्रांसफार्मर है वो 20 एम्पियर का होगा। लेकिन अगर आप यहाँ से यहाँ अगर लेते हैं, यूज करते हैं, तो आपको 110 वोल्ट मिलेगा और ये 10 एम्पियर होगा। लेकिन जब इसे आप 55 वोल्ट के रूप में यूज करेंगे तो ये 20 एम्पियर हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो वो भी कर लें। धन्यवाद।